डिस्प्लेसमेंट का नाम तो ही क्लियर हो गया होना तुम्हें कि जो एक चीज दूसरी चीज डिस्प्लेस कर दे, ठीक है ना। हुन एक चीज जैसा एग्जाम्पल ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड से तुम जिंक नो पाता जे, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो कुछ भी, तो ऐसे क्या है कि जिंक जरा ना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद एक कंपाउंड बना लेगा जिंक सल्फेट, वो गैस बन के बाहर निकल जाएगी। ऐसे अगर कोई भी हो तो रिएक्शन देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट कर दो मेटल्स वाले चैप्टर से कितना है तुसी, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब और ओदे जैसी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पा दिए, ब्लू कलर का ही होता है, और ओदे जैसी किसी तरीके नाल आयरन का नेल जे विच रख लिए, हैंग कर दिए या कुछ, तो थोड़ी देर बाद से देखांगे कि वो जड़ा ना कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर तो नीचे जड़ा ना वो चेंज हो के कॉपर या मतलब रेडिश ब्राउन या कुछ सेटल डाउन कर जाएगा। प्रेसिपिटेट टाइप, राइट। ये क्यों होया, वो सॉल्यूशन सी ना साडे को कॉपर सल्फेट का, एदे च असी पाया आयरन दा नेल किल, और ए जो रिएक्शन होएगा तो आयरन सल्फेट और कॉपर नो होने करता, पर कॉपर सल्फेट तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया किने किता आयरन ने, और आयरन सल्फेट बन गया ग्रीनिश कलर का गेन सॉल्यूशन, और कॉपर जड़ा है रेडिश ब्राउन दी फॉर्म दे विच सेपरेट हो जाता, सेटल डाउन कर जाएगा, हुन डिस्प्लेस हो गया। हुन जे मैं कहा कि मैं आयरन सल्फेट का सोल्यूशन ले दी और कॉपर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਬਣਦਾ ਔਰ ਆਇਰਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਨੋ, ਇਹ ਐ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੋ ਸੀਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ टीचर है थोड़े और तुम बैठे हो, कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल अगर रूम च एंटर कर गए तो सीट कौन ऑफर करेगा उन्हें, तुम करोगे कि टीचर करेगी? ऑब्वियसली तुम करोगे, क्योंकि प्रिंसिपल है, टीचर थोड़े तो सुपीरियर है प्रिंसिपल होना तो, लेकिन तुम ही फिर सीट ऑफर करोगे एटिकेट वाइज, राइट। हुण इहदे च एटिकेट्स कैसे लगे, इहदे च की है कि तुम मेटल वाले चैप्टर च पढ़िया सीगा रिएक्टिविटी सीरीज, जो जो तुम उपर तो नीचे आते हो, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल तो कट रिएक्टिव है या ऊपर वाला नीचे तो ज्यादा रिएक्टिव है। हुन आयरन जेड़ा सी कॉपर तो ऊपर आता सी, इट मींस कॉपर जेड़ा है आयरन जेड़ा है वो की है रिएक्टिव है, आयरन रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर सुपीरियर यू कैन से, तो कॉपर की जगह कॉपर उन्हें अपनी जगह देके कहेगा आओ जी बैठो इतने, तो वो की बना देगा आयरन सल्फेट और कॉपर बेचारा साइड से लग जाएगा। हुन जे तुसी कहोगे आयरन सल्फेट दे जैसे कॉपर ले लिए, तो वो कॉपर आयरन तो अपने आप से सुपीरियर है, वो तो कहेगा ही नहीं आओ बैठो, तो क्या होगा रिएक्शन ही नहीं होएगा, ऐसा चलो दोनों चीजें रह जाएंगी, सॉल्यूशन द सॉल्यूशन कॉपर द कॉपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या होता है कि अ मोर रिएक्टिव, मोर है कि लेस है रिएक्टिव, तो पता लगता है तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। मोर रिएक्टिव एलिमेंट takes the place of lesser reactive element to form a new compound. New compound बनया तो reaction होया ना, तो इस करके सानू चीज केड़ी चाहिए है, more reactive element चाहिए, lesser नू displace करेगा फिर एक new compound बन जाएगा। अगर जनरलाइज करके लिखिए द
अगर ए बी, क्योंकि तुम्हें पता है ना कंपाउंड हमेशा से लिखते हैं पॉजिटिव रेडिकल जो लेफ्ट हैंड से, नेगेटिव रेडिकल राइट हैंड से, तो जो मेटल वगैरह है ये उन्हें मेटल वाली साइड ही रिएक्ट करना है। तो अगर सी लिखता, सी इज अ मेटल सपोज और मोर रिएक्टिव देन दिस, तो थोड़े को कंपाउंड की बनेगा सी बी प्लस ए, एक जनरलाइज होके थोड़ा रिएक्शन आ गया। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल टेक प्लेस, जे थोड़े को लेते सी लिखता सीगा क्लोराइड क्लोरीन वगैरह होएगा, तो उन्हें फिर राइट साइड वाले नु डिस्प्लेस करना है अगर वो मोर रिएक्टिव है। तो तुसी इन मेटल से केस तक देख लो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल टेक द प्लेस ऑफ लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें हमेशा तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, और मुताबिक देखोगे कि कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है, हम ऐसी जगह की जगह पे जिंक सल्फेट ले लिए, अगेन कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, हम आयरन से जिंक का रिएक्शन देख लिए, तो जिंक जो है चेक करोगे कि आयरन नालों ज्यादा रिएक्टिव सीगा, फिर जिंक जो आयरन को डिस्प्लेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जरूरी है तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। फोर्थ टाइप जी है वह है डबल डिस्प्लेसमेंट और कई जगह पे डीकंपोजिशन भी यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट भी यूज होता है, रिएक्शन। हुन इधर की है, इधर तुसी एक ही कंपाउंड यूज करते हो, दो कंपाउंड्स हो गए, जैसे एक ए बी है दूसरा सी डी है। तुम्हें दस कि कंपाउंड हमेशा सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म से होना जरूरी है या दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं, और कंपाउंड हमेशा जो ए पॉजिटिव रेडिकल होगा और ए जो है नेगेटिव रेडिकल होगा। हुन इधर च दोनों ने ही टूटना है और दोनों ने मतलब अगर पॉजिटिव वाले ने एदी जगह ते आना और ए दी जगह ते जाएगा, या फिर ए एदी जगह ते जाएगा, दोनों आपस नहीं चेंज करने बिकॉज फिर सेम दे सेम रह जाएंगे। हुन जे पॉजिटिव पॉजिटिव दी जगह ले रहे हैं तो नवा कंपाउंड की बनेगा सी बी प्लस ए डी। एच मोर लेस की गल नहीं होनी, एच जैसे एक एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कोई भी तुसी ले लो सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड अगर ले लें, सोडियम क्लोराइड ही ले लो सौखा जा, तो एक ही बना देगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बैलेंस्ड, और सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट सेटल डाउन कर जाएगा। हम जिसे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं ना उन्होंने तो सिर्फ ये कह देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यह मतलब एक एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हुन एक एग्जाम्पल असि ले सकते हैं डबल डीकंपोजिशन, बड़ा कॉमन जो है वो आ सकता है तुहाडे कोल सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट करते, चलो हाइड्रोक्लोरिक ले लैने और उधरों ले लैने असि सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद आ गया उन्हें कित्थे कित्थे है एसिड बेसिस दे चैप्टर च, हुन एक ही कंबाइन करके बना दिया सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। देखो हाइड्रोजन अलग होया, क्लोरीन अलग होया, सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह लेती, हाइड्रोजन ने लेते एच ओ एच ना लिख देना, वाटर होंगे एच ओ एच। उनकी पढ़ लिया एक डबल डीकंपोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो कंपाउंड सोल्यूशन फॉर्म जो रिएक्ट करते हैं तो आपस एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयन्स नो, आयन्स में पॉजिटिव पॉजिटिव ना करेगा या नेगेटिव नेगेटिव ना करेगा, ए नहीं कि ओदा पॉजिटिव ही चला गया तो नेगेटिव ओदा चला गया तो वापस सेम हो ही बन जाएगा। हम एग्जाम्पल देख लो कि अगर सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड आपस रिएक्ट कर दे तो यू विल गेट सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, और क्योंकि जिन्हें प्रेसिपिटेट की फॉर्म सेटल डाउन करेगा ना उन्होंने अभी बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है एसिड्स और बेसिस रिएक्शन के, और एसिड और बेसिस जब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो इन्होंने अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यह मतलब कि ये भी दो टाइप के रिएक्शन हो गए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इको रिएक्शन दो रिएक्शन होने एक तरह के। ऑक्सीडेशन केड़ा होएगा, ऑक्सीडेशन मीन्स जिसे
ऑक्सीजन ऐड की जाती है और रिएक्शन जिसे ऑक्सीजन एडेड ऐड होगी इट गेट्स एडेड और रिडक्शन केड़ी हो जाएगी ऑक्सीजन एज ऑपोजिट गेट्स रिमूव्ड निकल जाएगी रिएक्शन कंपाउंड चो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में की हो सकती है हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है और इधर हाइड्रोजन ऐड होती है दोनों भी हो सकते हैं दोनों चो एक चीज का होना जरूरी है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी रिडक्शन इज द ऑपोजिट है ऑक्सीजन कैन बी रिमूव और या हाइड्रोजन हो उसे सॉरी हाइड्रोजन उसे ऐड करेंगे तो पेपर जो है ना तुसे जरूर एक बारी कार्यक्रम करने के बाद पढ़ना आदत पालोगे दोबारा पढ़ना है क्योंकि अगर गलती निकल आती है ना तो रिमूव हो जाती है तो तुसे उसे करेक्ट भी करके आ सकते हो तो ऑक्सीजन ऐड होना जिस तरह से कार्बन वाला याद है तो अभी कितना सी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कोल जो बर्न करते हैं अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और हीट भी तो इसलिए अभी बर्निंग की कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्योंकि कोले के अंदर या कोई भी फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई सी कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करने लिए ऐसे से जो रेस्पिरेशन भी करते हैं ना जो खाना पच के सेल्स के अंदर चला जाता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है जो एनर्जी रिलीज होती है अगेन दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो कितने भी ऑक्सीजन की एडिशन जो होती है वो रिएक्शन अभी की कह देने ऑक्सीडेशन रिएक्शन इवन जो रस्टिंग वगैरह जो भी लगती है वह भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जरा मतलब यह सारे चीजा जी आ गई ना कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होगी जितने भी ऑक्साइड वगैरह ऑक्सीजन ऐड हुई कह दें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हूं असि जो अभी कही कि साढ़े को एक मैटल से ऑक्साइड की फॉर्म जिंक ऑक्साइड और असि कोक पीन वाले कार्बन की फॉर्म है कोले तो जो कोक बना दें ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बन कोल करके ये हम की करेगा कि जिंक न सैपरेट करेगा और ऑक्सीजन खोलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा गैस हम देखो ये ऑक्सीजन रिलीज करती तो जिंक का की हो गया रिडक्शन किने कीती कार्बन ने कार्बन का की हो गया ऑक्सीजन ऐड होगी ना तो ऑक्सीडेशन इको रिएक्शन से देखो दोनों चीजा हो रही हैं ठीक है तो जिंक ऑक्साइड व्हेन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कोक यू गेट जिंक सेपरेट एंड मेटल मेटल्स वाले चैप्टर्स हैं मेटलर्जी जिंक सेपरेट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट गैस की फॉर्म से निकल जाएगी ऐसे ये एक्सट्रैक्शन जो करनी है जिंक ऑक्साइड की इस तरह करते हैं पर ये जैसे देखना की है कि रिड्यूस की चीज हुई जिंक ऑक्साइड क्यों हुई क्योंकि ऑक्सीजन ये से रिमूव हो गई कार्बन नो की होया कोक नो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि ये ऑक्सीजन ऐड हो गई इट्स तो क्लियर हो गया हुन ए चीज आ गई कि जो तो ऑक्सीजन या तो ऐड हुई तो या फिर रिमूव हो गई तो ऑक्सीडेशन हुई या फिर रिडक्शन हो गई हुन एदे ची देखा जाए तो किने इनू ऑक्सीडाइज किया और किने इनू रिड्यूस किया जेडी चीज ऑक्सीजन नो गेन करेगी तो इन मतलब दूसरे नो रिड्यूस करेगी हुन कार्बन मोनो कार्बन ने कोक ने इत्थे गेन किया सीगा ऑक्सीजन नो किदे कोलो लैके जिंक तो तो यह मतलब इन की कर रहा रिड्यूस तो यह की हो गया रिड्यूसिंग एजेंट का काम देगा क्योंकि यह वो चीज है जिड़ा कि काम कर रहा है रिड्यूस करने का तो खुद की बन गया रिड्यूसिंग एजेंट पर जिंक ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन कार्बन नु दी तो कहां काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो यह जिंक ऑक्साइड की काम दे रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट कोई करता कोई करन वाला हुन जेड़ा ऑक्साइड किसे नो ऑक्सीडाइज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा लेकिन खुद की हो जाएगा रिड्यूस ये याद रखना है खुद की हो गया रिड्यूस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहे काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तो इनो ऑक्सीडाइज करता हुन ए ऑक्सीडाइज हो गया इहदा मतलब इनो रिड्यूस कर रहे हैं ओदी ऑक्सीजन गेन करके आप रिड्यूसिंग एजेंट का काम दे रहे हैं सो ए की है रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस और एहो जे रिएक्शन जिदे च दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलदी हैं इन्हां नूं असीं की कर देने रिडक्शन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एनो अगर कंबाइन कर दिए एक वर्ड तो एनो कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. द रिडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, क्योंकि एक अगर ऑक्सीडाइज होएगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा. इस तरह से वो हर तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन, चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लो कोई ले लो, अपने आप से एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसे कि रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है. होल एग्जाम्पल कर लेना, लेकिन तो पहले तो याद रख लो कि है ऑक्सीडेशन इज दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस कंपाउंड और एलिमेंट, और रिडक्शन इज दैट इन विच ऑक्सीजन गेट्स रिमूव फ्रॉम अ कंपाउंड. और हाइड्रोजन जो रिमूव होगी फिर ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती तो रिडक्शन है. हाइड्रोजन ऐड करके ही ऐसे की करते हैं हाइड्रोजनेशन भी कर देते हैं, जैसे हम वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह ना जैसे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे निकल वगैरह के प्रेजेंस तो ऐसे वेजिटेबल घी कन्वर्ट कर देते हैं, डालडा घी ये वो सारे वनस्पति घी जिन्होंने कहते हैं, तो वो भी हाइड्रोजनेशन है क्योंकि रिडक्शन होगी हाइड्रोजन ऐड किया गया एल्कीन्स वगैरह के बीच. ए तो हो गया सी ऑक्सीजन दी रिमूवल या ऑक्सीजन दी प्रेजेंस. इसी तरह से एक एग्जांपल दे करते हैं हाइड्रोजन दी रिमूवल या एडिशन दे विच कि किस तरह रिएक्शन होता है. एग्जांपल ले लो तुसी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और क्लोरीन गैस ये बना सकता है. देखो ने नेगेटिव रेडिकल ने नेगेटिव नो चेंज करना है इधर, तो ए बनेगा HCl और सल्फर सेपरेट हो गया. हम जे तुसी देखो इधर जो सल्फर के हाइड्रोजन कितना सी हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सी ए देखो लो हाइड्रोजन की हो गया रिमूव हो गई तो इधर जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होया. लॉस ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन. तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके किस कन्वर्ट हो गई सल्फर. हम ए हाइड्रोजन किने गेन किते क्लोरीन ने, और मतलब हाइड्रोजन गेन किते क्लोरीन ने, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. तो ए खुद की होगी रिड्यूस, तो इतने रिडक्शन होगी. ऑक्सीडेशन होगी हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर क्लोरीन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस रिडक्शन, क्योंकि इसी हाइड्रोजन का केस दिख रहा है. हुन देखा जाए तो ये हाइड्रोजन लेके ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है क्लोरीन, और क्लोरीन जोड़ा हाइड्रोजन को जो गेन कर रहा है एदा मतलब कि उन्हें इनू की करता ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम दे रहा है. क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किसा दे रहा है, ये को हाइड्रोजन लेके उन्हें ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और एक ही काम कर रहा है क्योंकि इन्हें इन्हों रिड्यूस करता, तो इसलिए किसा काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का. अपनी हाइड्रोजन देखती खुद ऑक्सीडाइज हो गया बट इन्हों रिड्यूस करता, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है. एक खुद की हो गया रिड्यूस हो गया बट इन्हों ऑक्सीडाइज करता, इसलिए किसा काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो एक कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि जेड़ा एजेंट है वो प्रोसेस ऑपोजिट होगा, ताही काम बनेगा. याद करने का तरीका कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने खुद रिड्यूस होना है रिडक्शन होगी उधर से, और रिड्यूसिंग एजेंट ने खुद ऑक्सीडाइज होना है मतलब उधर से ऑक्सीडेशन होगी, चाहे हाइड्रोजन के फॉर्म च हो जाए चाहे ऑक्सीजन के फॉर्म च हो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली. तो एक होर भी तरीका होता है लेकिन असं हायर क्लासेस कर लेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल या मेटल्स के चैप्टर से असं करके देखेंगे. तो ये किया गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन रिमूव हुई तो रिडक्शन है, हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिडक्शन है. तो अगर दोनों रिएक्शन तकरीबन एक रिएक्शन चले सर ए भी हो गया रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो ए रिएक्शन के हो गया रिडॉक्स रिएक्शन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ए सी साढ़े टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसे पढ़िया कॉम्बीनेशन रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन जो तीन तरह के हो गए फर्दर थर्मल इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक. फिर उस तो बाद आ गया साडा जो असि इस लैक्चर किए थे वो कि आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सुपीरियर मेटल, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ही लो तो बैटर है. किसी का रिएक्टिविटी सीरीज जो तुम याद हो कि सब तो पहले पोटाशियम के फिर सोडियम
कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। तो जब तक तुम याद रखोगे तुम्हें पता है कि एज यू गो डाउन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी नीचे नीचे जाते तो घटती है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਾਪਰ ਔਰ ਆਇਰਨ, ਆਇਰਨ ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਾਪਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਾਪਰ ਸਿਲਵਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇ ਕਾਪਰ ਔਰ ਆਇਰਨ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਕਾਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਰਨ ਇਸ ਮੋਰ, ਜ਼ਿੰਕ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਪਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਔਰ ਕਾਪਰ ਦੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ, आयरन जिंक के कंपाउंड में डिस्प्लेस कर सकते हैं, ऐसे कैल्शियम और एल्युमिनियम ले सकते कुछ भी, लेकिन ये सीरीज याद करनी जरूरी है जिन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज करने हैं। तो इस तो बाद असी मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कर लिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया, तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।